चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाधियामी चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाधि। अभी अभी हमारे एक भाई ने सवाल किया कि भाई ये समन संघ क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, और ये बातें हम लोग आठ महीने से बता रहे हैं और कई तरह से कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। हमारा उद्देश्य तो यही है कि हम सब जितने भी समन संघ है, समन समाज है, वो इकट्ठे हो जाए। इकट्ठे हो जाएंगे, संघ बन जाएगा तो जीतेगी। इसीलिए हमारा उद्देश्य जुड़ना और जोड़ना। अगर शॉर्ट में हम कहें तो हमारा उद्देश्य जुड़ना और जोड़ना है। पहले तो हमें खुद को जोड़ना पड़ेगा। जब तक हम लोग नहीं जुड़ेंगे तब तक हम लोग हमारा इतिहास और हमारे संबंध संघ के बारे में जान नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। और अगर हम जान नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, तो आगे हम कार्य कैसे कर पाएंगे। तो इसकी वजह से हमें पहले तो संबंध संघ को समझना बहुत जरूरी है। और संबंध संघ को समझने के लिए हर रोज जो हमारी ऑनलाइन मीटिंग होती है उसमें हम इकट्ठे होते हैं, यहाँ पर मिलते हैं, और इसके सिवा हम लोग जगह जगह पर फिजिकल मीटिंग भी करते हैं, संगति भी करते हैं, और उसमें भी इस विषय पे चर्चा विचारना होती है और एक दूसरे से परिचय होता है। वैसे संघ की जो हम बात कर रहे हैं, जो समन संघ की हम बात कर रहे हैं, ये संघ कोई नया नहीं है, ये पुरातन समय से चला आ रहा है। कहा जाता है कि बुद्ध भी समन संघ के सदस्य थे, तथागत बुद्ध भी समन संघ के सदस्य थे और वे भी संघ के नियम का पालन करते। संघ के नियम भी बने हुए थे और संघ के नियम दो प्रकार के होते थे, एक भिक्षुओं के लिए होते थे और एक नियम और जो लोग आम लोग थे उनके लिए भी बने थे, जो समन संघ से जुड़े थे, और उसी नियमों का पालन होता था। उसी नियमों के अनुसार जब हमारा भारत कार्यरत था तब भारत महाभारत बन गया था। सम्राट अशोक के समय में हमारे भारत की जो सीमाएं थी वो अफगानिस्तान, नेपाल, बर्मा, श्रीलंका और चारों ओर फैली हुई थी, और समन संघ के जो नियम थे उसका पालन करते हुए हमारे समन समाज के लोग राजा महाराजा भी रह चुके, सम्राट भी रह चुके। इतना ही नहीं, कई लोग आजकल बताते हैं समन नहीं श्रमन। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे अशुभ चिंतक है, जो हमारे विरोधी है,
वो लोग कभी कभी गुमराह करने के लिए अर्थ का अनर्थ करते हैं, शब्द का जो अर्थघटन है वो गलत करते हैं। इसीलिए ये भी स्पष्ट हो जाना चाहिए कि श्रमण नहीं है, समन है। समन संग एक नेचुरल, एक प्राकृतिक कुदरत के जो कानून है, नियम है, उसका पालन करता है। हम लोग देखते हैं कि जब से सृष्टि में समाज बनने लगा, जब लोग इकट्ठे आने लगे, तब से कुछ नियम बने, कुछ समाज की संरचना हुई कि इकट्ठे रहना है। और सिर्फ मनुष्य ही नहीं इकट्ठे रहते, आपने देखा होगा कि जो पशु है, पक्षी है, वो भी इकट्ठे ही रहते हैं। तो इकट्ठे रहने में सबको अपना भला नजर आता है, सबका हित है उसमें। अगर पशु पक्षी ये बात समझते हैं तो हमें भी इसको समझना चाहिए। आप लोग ने देखा होगा कि कई भैंसे मिल जाती है तो शेर को भी हरा देती है। आपने YouTube पे भी देखा होगा कि कुछ भैंसे मिलकर शेर को मार देती है। पक्षी जो है, आपने देखे होंगे कई पक्षियों के झुंड आकाश में उड़ते हुए, वो भी कभी एकल डोकल पक्षी नहीं उड़ता है, वो सारे पक्षी होते हैं वो इकट्ठे उड़ते हैं, एक साथ उड़ते हैं। हमने बचपन में जब पढ़ते थे तब एक कहानी पढ़ी थी कि कबूतर होते हैं, वो एक जंगल में से पसार होते हैं, तो उस टाइम पे नीचे उन्होंने देखा कि कुछ दाने पड़े हुए हैं, तो कुछ कबूतर सोचते कि भाई नीचे जाके दाना चुमा जाए, तो चुनने के लिए वो नीचे जाने की कोशिश करते, तो एक जो बुड्ढा होता है, बड्डा बड्डा संघ जो हमने बनाया इसी तरह का एक बड्डा पक्षी होता है, कहता है, कबूतर कहता है कि इस जंगल की जैसी जगह में यहाँ दाने पड़े हुए है तो कुछ षड्यंत्र हो सकता है, कोई साजिश हो सकती है, तो अभी उतरना नहीं चाहिए। लेकिन सारे के सारे पक्षी जो थे वो उतर ही गए, बोले नहीं हम तो उतरेंगे और दाने चुनेंगे। और जब वो नीचे उतरते हैं तो फिर वो जो शिकारी ने जाल बिछाई होती है उसमें फंस जाते हैं, और जब फंस जाते हैं तो फिर सब सोचते हैं कि क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, क्योंकि अब तो फंस गए, जाल में आ गए, अब शिकारी आएगा और हमारा शिकार कर लेगा। लेकिन जो बूढ़ा कबूतर होता है वो कहता है अभी एक रास्ता है बचने का, अगर आप चाहो तो। तो बोले कैसे, क्या रास्ता है? क्योंकि बोले हम एक एक पक्षी या एक एक कबूतर नहीं उड़ेंगे, सारे के सारे कबूतर हम इकट्ठे हो जाए और हम उड़ने लगे, हो सकता है हम जाल के साथ उड़ जाए। और सबने सही तय कर लिया कि सब एक साथ उठते हैं, और सबने जैसे ही आवाज निकाली कि मैं आवाज निकालूंगा हम सब उड़ जाएंगे, तो जाल के साथ उड़ा हुआ चित्र भी था उस पाठ के अंदर जब हम पढ़ते थे। तो ये जो बातें है कि अगर संघ हो जाएगा, अगर हम संघ हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे, तो उसमें शक्ति होती है, संघे शक्ति ऐसा कहा जाता है। लेकिन बात यहाँ पर आकर रुकती है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तो हर रोज बताया जाता है, ये सब चीजें बताई जाती है, कुछ लोग नए भी जुड़ते हैं उनको भी बताया जाता है, पर फिर भी हम लोग, हमारे जो लोग हैं वो नया चाहते हैं, कुछ ना कुछ नया चाहते हैं। इसलिए एक बात है कि अगर हमें, क्योंकि समय बहुत ही कठिन है हमारे सबके लिए,
और इस कठिन समय के अंदर अगर हम जुड़ेंगे नहीं और जोड़ेंगे नहीं तो देर हो सकती है, तो देर ना हो जाए इसलिए हमें पूरी ताकत के साथ काम करना है, हमें जुड़ना है और जोड़ना है। हमारा जो ये संघ की संरचना है ये इतनी अद्भुत है कि इसमें कोई भी आदमी, कोई आम आदमी इसमें जुड़ सकता है और उस आदमी का यहाँ पर सम्मान रहेगा। यहाँ किसी कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है, कोई ऊपर है कोई नीचे है ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, कोई पद नहीं है कोई पैसा नहीं है, यहाँ सबके सब बराबर है। यही संघ की विशेषता है, समन संघ की यही विशेषता है कि सबके सब बराबर है और सबको अपनी अपनी जिम्मेवारी निभानी है। जो अपनी जिम्मेवारी निभाएगा और अपना कार्य करेगा उसकी कदर भी होती है। हमारे यहाँ न माइक है न मंच है न माला है, क्योंकि आम तौर पर हमने देखा है हम लोग सब सार्वजनिक जीवन में रहे हैं, हमारे लोगों ने देखा होगा कि माइक के लिए बोलने के लिए स्पीच देने के लिए भी सब एक दूसरे की होड़ लगी होती है। माइक मिल जाता है तो माइक छोड़ते नहीं, मंच बना होता है तो सब चाहते हैं कि हमको मंच पे जगह मिले, आगे की हरोल में जगह मिले। तो मंच में भी यही होता है, तो इससे भी कभी कभी संघ के लिए नुकसान करता होता है, कभी कभी अहम टकराता है। और तीसरा है माला, माला भी हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि माला भी जब हम पहनाते हैं किसी को तो कुछ अलग पड़ जाता है। कुछ लोगों को माला ही पहनाई जाती है, कुछ लोग उनको पहनाते हैं और कुछ लोग नीचे बैठ के देख के तालियां बजाते हैं, और उसमें भी कभी कभी अहम टकरा जाता है कि भाई मुझे पहली माला क्यों नहीं चढ़ाई गई, उनको क्यों पहली चढ़ाई गई, मैं सीनियर हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। तो ये सारी चीजें समन संघ में हम लोग ने या हमारे पहले से चला आ रहा है, ये सारी चीजों को वर्जित कर दिया गया, ये चीजें नहीं होगी, जिससे किसी को अपने अंदर कोई ईर्ष्या नहीं होगी, कोई अहम नहीं टकराएगा और सबके सब लोग बराबर ही समझेंगे। दूसरी बात है पैसा, पैसा भी कभी कभी लोगों के बीच में मन मुटाव खड़ा करता है, तो हमारे संघ के अंदर न पैसा कलेक्शन है न कोई चंदा कलेक्शन है, हम कभी भी कोई पैसा कलेक्ट नहीं करते, कभी भी हम लोगों से पैसा मांगते नहीं, फंडिंग नहीं होता, क्योंकि हम लोगों को पैसों की आवश्यकता नहीं है, बिना पैसे ही हमारा काम चल जाता है। क्यों चल जाता है? क्योंकि हमारा संघ का कार्य है वो सादगी पूर्ण कार्य है। हम लोग न माइक यूज करते हैं, न माला यूज करते हैं, न हम खाने पीने के कार्यक्रम भी बड़े बड़े करते हैं। विशेष प्रसंग में ही हम लोगों को जब अनिवार्य हो तो कुछ व्यवस्था होती है, बाकी नॉर्मली हम लोग खाना भी अपने घर से लेकर आते, सारे अपने समन संगी है वो घर से पराठा लेके आते हैं, 6 पराठे लेकर आते हैं, साथ में आचार लेकर आते हैं। 6 पराठे इसलिए कि 4 पराठे एवरेज अपने लिए होते हैं और 2 पराठे एक्स्ट्रा लाते हैं, तो अगर कहीं संजोगवशात कोई सीधे ही आ गए या कोई कारणवश हो तो वो पराठे जो और लोग आ जाते हैं बाकी लोगों के लिए भी भोजन हो जाता है। दूसरी बात है कि जो पराठे या जो आचार हम लेकर आते हैं वो सब एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और बांट के खाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है, खास तौर पे गुजरात में एक कहावत है कि जिसके अन्न एक उसके मन एक, बहुत बड़ी बात है ये, जिसके अन्न एक उसके मन एक, क्योंकि हमारे लोग के मन भी एक होने चाहिए। जब तक हमारे मन एक नहीं होंगे तब तक हम संघ नहीं बना पाएंगे,
संघ बनाना है और संघ को आगे बढ़ाना है तो पहले तो हमारे सबके मन एक हो जाना चाहिए, हमारे में समानता, न्याय, करुणा, ये सारे जो गुण है, समता के गुण है, वो सब आने चाहिए। और मैत्री भी हमारे में आनी चाहिए, हम मैत्री के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमने मार्ग जो है, हमारा जो मार्ग है वो बुद्ध का मार्ग है, जो प्रकृति के नियम का मार्ग है, कुदरत के कानून का मार्ग है, और उस मार्ग पर हम चलना है, जो मार्ग हमारे महामानवों ने हमें दिखाया। और इसीलिए हमारे समन संघ में कोई भी नेता नहीं होता, कोई प्रमुख नहीं होता, कोई महासचिव नहीं होता। समन संघ में सब समन होते हैं, और जो हमारे महामानव के विचार घर घर तक पहुंचाते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं, तो उसको हम प्रवक्ता कहते हैं, स्पोक कहते हैं। और वो भी हम लोग स्पोक इसलिए कहे जाते हैं कि हम लोग अपनी मन की बात नहीं करते, हम जो यहाँ समन संघ में जो कॉन्सेप्ट बताया जाता है, समन संघ को के अंदर हमारा जो वी द पीपल जो हमारा है, उसके अंदर जो हमें बताया जाता है कि भाई हमारे महामानव ने हमें क्या कहा, हमारे महामानव में बुद्ध के बाद पेरियार है, महात्मा ज्योतिबा फुले है, बाबा साहब है, नारायण गुरु है, और ऐसे कई हमारे महान महामानव हो गए, तो ये सब ने हमें जो विचार दिए, जो सिद्धांत दिए, वो विचार उस सिद्धांत को ही हम लोगों तक पहुंचाते हैं, लोगों तक फैलाते हैं और लोगों को समझाते हैं कि भाई इन्होंने ये कहा था और यही हमारे सुख और शांति का मार्ग है। अब अभी हमारे देश में लोकतंत्र की बात करें तो हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र के अंदर संख्या का महत्व होता है। हमारा जो संविधान है वो हमें बताता है कि आप 51 लोग इकट्ठे होके आ जाओ, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि हमारे लोग बोलते हैं कि हमारे सारे अधिकार छीन गए, हमारा संविधान का इम्प्लीमेशन नहीं हो रहा है, उसका अमलीकरण नहीं हो रहा है, दिन प्रतिदिन नौकरियां खत्म होती जा रही है, खानगीकरण किया जा रहा है, सार्वजनिक संपत्ति बेची जा रही है और हमारी नौकरियां खत्म कर रही हो जा रही है, हमारे लोगों के पास जमीन नहीं है, व्यापार नहीं है, उद्योग नहीं है, हमारे लोगों की प्रगति के लिए एक ही माध्यम था, वो था नौकरियां, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, ठेकेदारी भी शुरू हो गई है, उसमें भी शोषण होता है। तो हम सोचते हैं कि संविधान का अमल क्यों नहीं हुआ, तो इस पर हमारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है उन्होंने भी काफी अध्ययन किया, अनुभव किया, और उन्होंने देखा कि हमारे लोगों के कई संगठन है, एक नहीं है, अनेक संगठन है, अभी कुल मिलाकर 29 लाख संगठन हमारे है, सामाजिक संगठन, राजकीय संगठन, और उसमें से 4 लाख तो अभी भी कार्यरत है, कुछ तो पेपर पे ही रह गए पर 4 लाख कार्यरत है। हमारे लोग ये सारे संगठन के माध्यम से हमारे लोगों के बीच जाते हैं, चंदा कलेक्ट करते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं और बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं और फिर भूल जाते हैं कि बाबा साहब का मिशन क्या था, हमारे महामानवों ने जो संघर्ष किया पूरे जीवन भर किसने किया, वो हम भूल जाते हैं। और हम जो बाबा साहब ने कहा था कि
संगठित हो। बाबा साहब ने हमें तीन मंत्र दिए, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। लेकिन वो जो संगठित होने का अर्थ संघ बनाने का नहीं है, ये संघ बनाना ऐसा नहीं सोचते। ये सारे के सारे लोग सोचते कि सब अपना अपना संगठन खड़ा कर ले और सब प्रमुख बन जाए, उसमें से कुछ महासचिव बन जाए और कुछ अपनी एक पोजीशन बना ले समाज के अंदर, हमको एक विशेष मान सम्मान मिलना चाहिए, ऐसी खेवना सबके अंदर खड़ी हो गई। और उसकी वजह से आज हम जो संगठन खड़ा होता है वही संगठन साल के बाद टूट जाता है, उसका दो हो जाते हैं और उसकी दूसरे साल दो के चार हो जाते हैं, चार के आठ होते, मल्टीप्लीकेशन में बढ़ते जाते, इकट्ठे नहीं होते। यहां तक देखा गया है कि हमारे जो गुजरात में वडोदरा है, वडोदरा में बाबा साहब की संकल्प भूमि है, तो पिछले साल वहां पर सारे लोग आए थे तो कुछ कार्यक्रम रखे गए थे शहर में, तो कार्यक्रम में भी कुछ राजकीय पक्ष के लोगों ने अलग कार्यक्रम किया, हमारे लोग थे, कुछ सामाजिक संगठन के लोगों ने अलग कार्यक्रम किया, यानी तीन जगह पर बट गए। कार्यक्रम तो संकल्प दिन का ही था पर तीन जगह पे बट गए अलग अलग टुकड़ों में, और सब जगह अलग अलग खर्चा किया, अलग अलग सामियाना लगाया। उसी तरह आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग इकट्ठे होकर काम नहीं कर सकते, हम लोग एक जगह होकर नहीं कर सकते। अगर 14 अप्रैल को हम बाबा साहब का जन्मदिन मनाते हैं तो भी शहर के अंदर कई जगह पे छोटे छोटे कार्यक्रम होते। अरे भाई, आप 100 जगह पे कार्यक्रम करो, 200 जगह पे कार्यक्रम करो, उसकी जगह पे अगर सारे के सारे लोग आप एक जगह पे आकर कार्यक्रम करोगे, क्योंकि आप लोग मनाते तो बाबा साहब का जन्मदिन, सारे के सारे लोग बाबा साहब का जन्मदिन मनाते, सारे के सारे लोग समन है, तो फिर एक जगह पे एक स्थान पे आके हम क्यों नहीं कार्यक्रम कर सकते। अगर एक जगह पर आकर हम कार्यक्रम करेंगे तो पूरे शहर में, पूरे नगर में लोग हमारी संघ शक्ति देख पाएंगे, और जब संघ शक्ति देखेंगे तो लोग डरेंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि जब तक हम इकट्ठे नहीं हो जाएंगे, हम संघ नहीं बना लेंगे, तब तक हम सफल भी नहीं हो पाए। जो समन संघ का एक मोटो है, एक सूत्र है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जिद है जुड़ने की, तो अगर हम जुड़ेंगे तो ही जीतेंगे। अगर हम नहीं जुड़ेंगे और अगर हमारा संघ नहीं बन पाया और हम हजारों संगठन में बटे हुए रहेंगे, जो आया वो अपना संगठन खड़ा कर लेगा और प्रमुख बन जाएगा, तो परिणाम नहीं मिलेगा। और जो संवैधानिक हमारे अधिकार थे या है, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, वो आगे जाकर खत्म हो जाएंगे। हो सकता है आगे जाकर हम लोग कोई प्रोटेस्ट भी नहीं कर पाएंगे, क्यों कि समय आने पर अगर संविधान नहीं रहेगा तो हमें कोई लोकतांत्रिक कार्यक्रम करने नहीं देगा। आज संविधान है तो हमें, हम है तो संविधान नहीं है, ये आप सब लोग जान लो। संविधान है तो हम है, ये संविधान आज भी हमें खड़ा कर रहा है। आपने देखा होगा कि NRC के बारे में भी जब कार्यक्रम होते थे तो दिल्ली में या सारे देश में, तो सारे के सारे लोग संविधान को आगे करके, संविधान को लेकर कार्यक्रम कर रहे थे। किसान आंदोलन भी चला, किसान आंदोलन भी सारे के सारे लोग इकट्ठे हो गए, तभी भी सारे किसान, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, पंजाब के हो, हरियाणा के हो, राजस्थान के हो, मध्य प्रदेश के हो, गुजरात के हो, कहीं भी, सारे के सारे किसान संविधान को आगे कर
और संविधान की आन और बान और शान की बात करते थे। आपने देखा होगा कि कुछ राजकीय पक्ष के लोग भी संविधान दिन पर ही अपनी पार्टी की स्थापना की, क्योंकि वो जानते थे कि हमें हमारा जो उल्लू सीधा करना है या हमें हमारा जो मकसद है उसको पाना है तो हमें संविधान को आगे करना पड़ेगा। तो संविधान का महत्व बहुत है हमारे सबके लिए, हम लोग हर रोज संविधान पढ़ते भी है, और ये संविधान बचेगा तो हम बचेंगे, और संविधान आगे का हमें बचाना है तो मैं आज इस संबंध संघ के मंच से कह रहा हूं कि काम करना पड़ेगा, समय दान देना पड़ेगा। हम पैसा नहीं देते हैं, पैसा नहीं लेते हैं, पर समय तो देना ही पड़ेगा, समय दान तो करना ही पड़ेगा। हमें हर रोज ये जो हमारी संबंध संघ की मीटिंग है उसमें तो जुड़ना है, उसमें तो अपनी हाजिरी देनी है। उसके अलावा हमें हमारे जितने भी लोग हैं संबंध संघी है उन या बाहर जो हमारे लोग हैं संबंध समाज के, उन सबको मिलना है, उनको अपना कॉन्सेप्ट बताना है, उन्हें जोड़ना है, और ये भी निश्चित करना है कि वो हर रोज हमारी जो मीटिंग होती है उसमें जुड़े। हो सकता है कुछ समय के बाद वो कॉन्सेप्ट समझ जाए और वो भी कार्य करने लग जाएंगे, वो भी लोगों को जोड़ने लग जाएंगे। जितना हो सके उतना हमें जल्दी से जल्दी लोगों को जोड़ने की आवश्यकता रहेगी। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि हम सब मिलकर सब लोग एक साथ मेहनत करेंगे, जैसे सारे कबूतर मिलकर जो जाल बिछाई थी उस जाल से बाहर निकल पाए, उसी तरह हमारे ही देश में हमारे ही बहुजन समाज को, हमारे ही संबंध संघ को, संबंध समाज को कुछ लोगों ने साजिश रचकर, कुछ षड्यंत्र के तहत जो जाल बिछाई है वो जाल से निकलने की आवश्यकता है, और उसके लिए हमारे जो भी वरिष्ठ लोग हैं हमारे बीच और जो भी वो मार्गदर्शन देते हैं तो उनका मार्गदर्शन हमें ग्राह्य रखकर हमें आगे बढ़ना है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Singam Sirunam Gacchami.
सिंधु सिरणू